हाय फ्रेंड, मेरा नाम है शेख रहीम शेख निसार और आज के इस न्यू वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड मारुति की स्विफ्ट है। हम उसका इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर और एयर फिल्टर ये रिप्लेस करने वाले हैं फ्रेंड। तो इसमें क्या क्या प्रोसीजर है और आपको कैसे ये चेंज करना है आज की इस न्यू वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि मैं जब भी आपको न्यू वीडियो डालो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। और मेरे चैनल का नाम है SRN कार टेक्नीशियन। तो आइए फ्रेंड हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको इसकी ऑयल फिल्टर की और ऑयल सम नट की लोकेशन बता देता हूँ। तो ये फ्रेंड इसकी ऑयल फिल्टर की लोकेशन, ये फ्रेंड इसका एयर क्लीनर, इसके अंदर हमें एयर फिल्टर फिट करना है। और यह अंदर आती है फ्रेंड इसकी ये डीजल फिल्टर की लोकेशन। तो ये फ्रेंड इसका ऑयल सम और ये फ्रेंड इसका ऑयल सम का ड्रेन प्लग। तो ये ड्रेन प्लग फ्रेंड हमें खोलने के लिए 40 mm की स्टार रेलिंग की लगेंगी फ्रेंड। अभी हम खोलने वाले फ्रेंड इसका ये ऑयल फिल्टर। तो इसका ऑयल फिल्टर का ये ऊपर का कप खोलने के लिए फ्रेंड आपको लगेंगे बॉक्स आना 27 mm का और ये डिस्टन फ्रेंड और इस तरह से राइचिट। तो इस तरह फ्रेंड हमें ये इसका ऑयल फिल्टर का ऊपर का कप बाहर लेना है। और ये फ्रेंड इसका ऑयल फिल्टर। इसका ऑयल सम का ड्रेन प्लग खोलने के लिए आपको इस तरह की 45 mm की स्टार रेलिंग लगेंगी फ्रेंड। तो अभी हम इसका ऑयल सम का ड्रेन प्लग खोलने वाले हैं। तो ये खुल गया फ्रेंड हमने इसका भी ड्रेन प्लग और हमें ये अच्छी तरीके से फ्रेंड इसका ऑयल ड्रेन होने देना है फ्रेंड। फ्रेंड हमने लाई है फ्रेंड इसकी मारुति सुजुकी की ये किट। तो फ्रेंड इसके अंदर ये फ्रेंड ये इसका एयर फिल्टर और ये फ्रेंड इसका ऑयल फिल्टर और ये फ्रेंड इसका डीजल फिल्टर और ये फ्रेंड ऑयल, ये फ्रेंड इसका इंजन ऑयल। इंजन ऑयल की क्वांटिटी फ्रेंड 3.5 लीटर की फ्रेंड इसकी। हम सबसे पहले इसके अंदर ये ऑयल फिल्टर फिट करने वाले फ्रेंड। तो हमें इसके अंदर का एरिया पूरा अच्छे से क्लीन करना है फ्रेंड। ये फ्रेंड इसका इस तरह से हमें ऑयल फिल्टर इंस्टॉल करना है। तो इस तरह से फ्रेंड पहले हमें इसका ऑयल फिल्टर लगाना है। तो ये फ्रेंड इसका ऑयल फिल्टर का कप। तो हमें इसके अंदर फ्रेंड ये इसकी न्यू ऑयल फिल्टर कप की रिंग। तो हमें सबसे पहले ये रिंग इसके अंदर फ्रेंड इंस्टॉल करना। तो ये फ्रेंड हमने इसके अंदर ऑयल फिल्टर कप की रिंग लगा दी और अब इस तरह से हमें इसका ऑयल फिल्टर का ये कप लगाना है फ्रेंड। फ्रेंड हमें ये ऑयल फिल्टर का कप अच्छे से फुल टाइट करना है फ्रेंड। तो ये फ्रेंड इसका लगाने वाले फ्रेंड इसका ऑयल सम का ड्रेन प्लग और ये फ्रेंड इसका ऑयल सम का ड्रेन प्लग। ड्रेन प्लग को हमें अच्छे से क्लीन करना है फ्रेंड। तो आइए फ्रेंड अभी हम इसका ड्रेन प्लग लगाते हैं। तो फ्रेंड अभी हमने इसका ड्रेन प्लग लगा दिया है फ्रेंड और हमने ये फ्रेंड इसका ड्रेन प्लग फुल टाइट कर दिया है। तो फुल ड्रेन टाइट करने के बाद फ्रेंड हमें इसका जो साइड का एरिया है फ्रेंड वो कॉटन वेट से अच्छे से क्लीन करना है। तो ये लगा जाए फ्रेंड हमने इसका ड्रेन प्लग और साइड का एरिया अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो आइए फ्रेंड अभी हम इसके अंदर इंजन ऑयल फिल करते हैं। तो फ्रेंड ड्रेन प्लग लगाने के बाद हम इसके अंदर फ्रेंड इंजन ऑयल फिल करने वाले। तो आपको इंजन ऑयल फ्रेंड कैप खोल के
यहाँ से इसके अंदर फ्रेंड हमें इंजन ऑयल फिल करना है। सो फ्रेंड इसके अंदर इंजन ऑयल फिल करने से पहले हमें इसका जो साइड का एरिया है फ्रेंड अच्छे से क्लीन करना है ताकि इसके अंदर ऑयल फिल करते हुए इसके अंदर डस्ट वगैरह ना जाए। सो फ्रेंड हमने इसका साइड का एरिया क्लीन कर दिया है तो अभी हम इसके अंदर इंजन ऑयल फिल करने वाले हैं। दबा दे वाला भैया चालू टेली का तो हमें फ्रेंड ये कैप अच्छे से क्लीन करके यह लगाना है। तो यह है फ्रेंड इसकी ऑयल गेज की लोकेशन। तो यहाँ से पता चलती है फ्रेंड इसकी इंजन ऑयल की लेवल। तो देखिए फ्रेंड इसकी इंजन ऑयल की लेवल अभी अच्छे से आ गई। तो फ्रेंड यह इसका इंजन ऑयल का प्रोसेस कंप्लीट हुआ फ्रेंड। तो अभी हम इसके अंदर एयर फिल्टर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो फ्रेंड इसका एयर फिल्टर रिप्लेस करने के लिए हमें ये चार स्क्रू खोलने पड़ते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड हमने इसके चार स्क्रू खोल दिए फ्रेंड। और ये है फ्रेंड इसका पुराना वाला एयर फिल्टर। तो ये देखिए फ्रेंड इसकी एयर फिल्टर की हालत, ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है फ्रेंड। तो ये है फ्रेंड इसका न्यू एयर फिल्टर। तो ये फ्रेंड देखिए, तो अभी हम ये इंस्टॉल करने वाले हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड अंदर का एरिया हमें अच्छे से क्लीन करना है और उसके बाद इस तरह से ये न्यू एयर फिल्टर फ्रेंड इसके अंदर इंस्टॉल करना है। चार बोल्ट हमें टाइट कर देना है। तो फ्रेंड इसके ऑयल फिल्टर की ये देख के तो ऐसा लगने रहा है कि काफ़ी दिनों से शायद इसका डीजल फिल्टर चेंज ही नहीं किया है। तो इसका डीजल फिल्टर खोलने के लिए फ्रेंड हमें ये दो पाइप, ये वाला पाइप और ऊपर ये नीचे की साइड में दो सॉकेट आते हैं फ्रेंड, ये हमें निकालना है फ्रेंड। हमें अभी इसका डीजल फिल्टर बाहर, तो इसका डीजल फिल्टर खोलने के लिए फ्रेंड हमें ये रिंग इसकी खोलना है फ्रेंड, उसके बाद ही इसका डीजल फिल्टर हम रिप्लेस कर पाएंगे। तो फ्रेंड हमने इसकी ऑयल फिल्टर की ये डीजल फिल्टर की इसकी जो रिंग है फ्रेंड ये ऑलरेडी हमने लूज़ करी है फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड इसका जो ये फ्यूल फिल्टर है काफ़ी दिनों से चेंज ही नहीं किया है फ्रेंड। तो अभी हम रिप्लेस करेंगे फ्रेंड इसके अंदर ये न्यू फ्यूल फिल्टर। तो उससे पहले हमें ये फ्रेंड अच्छे से इसकी जो कप है फ्रेंड वो क्लीन करना है। तो फ्रेंड हमने इसकी ये फ्यूल फिल्टर क्लीन किया है फ्रेंड। ये फ्रेंड इसका न्यू डीजल फिल्टर। तो ये फ्रेंड इसका फ्यूल फिल्टर, और ये फ्यूल फिल्टर फ्रेंड हमें इसके अंदर फिट करना है। तो इस तरह से फ्रेंड हमें पहले ये फ्यूल फिल्टर इस कैप में लगाना है। और ये फ्रेंड इसकी
फ्यूल फिल्टर की रिंग, ये रिंग हमें इसके ऊपर फ्रेंड इस तरह से इंस्टॉल करनी है। उसके बाद फ्रेंड हमें ये इस तरह से फिक्स कर, ये लगाने के बाद फ्रेंड हम इसके ऊपर ये रिंग फिट करने वाले। तो फ्रेंड हमने कंप्लीट कर दिया है फ्रेंड इसका ये फ्यूल फिल्टर। तो अभी हम इसको उसकी जगह पे फिट करते हैं फ्रेंड। वो ब्रैकेट है फ्रेंड, इस ब्रैकेट में ये फ्यूल फिल्टर फिट होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड इस तरह से ब्रैकेट में फ्यूल फिल्टर अटकाने के बाद हमें ये इसका ऊपर का और ये नीचे का ये सॉकेट लगाना है फ्रेंड। नीचे के सॉकेट लगने के बाद फ्रेंड हम लगाएंगे इसकी ये पाइप। तो फ्रेंड हमने इसका ये फ्यूल फिल्टर अभी फिट कर दिया है फ्रेंड। तो अभी हम लगाते हैं फ्रेंड इसकी बैटरी। तो फ्रेंड हमने इसका ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और डीजल फिल्टर रिप्लेस किया है फ्रेंड। तो जब भी हम इसका डीजल फिल्टर रिप्लेस करते हैं तो इसका डीजल फिल्टर रिप्लेस करने के बाद आपकी गाड़ी का ये स्विच जो है फ्रेंड, ये इग्निशन 3 से 4 बार आपको ऑन ऑफ करना है और उसके बाद ही फ्रेंड आपको स्लिप मारना है। तो फ्रेंड 3 से 4 बार ऑन ऑफ करने के बाद फ्रेंड आपको स्लिप मारना है। तो देखिए फ्रेंड अभी हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद फ्रेंड आपको चेक करना है कहीं ये डीजल फिल्टर का लाइट तो नहीं ब्लिंक कर रहा है। तो आइए फ्रेंड हम ऑयल फिल्टर और ऑयल सम नट चेक करते हैं और डीजल फिल्टर के ऊपर भी हमें चेक करना है फ्रेंड। हमने पूरी तरीके से फ्रेंड इसकी सर्विसिंग कर दी फ्रेंड, अब देख सकते हैं। तो इस तरह करते हैं फ्रेंड मारुति सुजुकी का स्विफ्ट का इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर और एयर फिल्टर रिप्लेस। तो अगर फ्रेंड आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि मैं जब भी आपको न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।